Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. टुडे 2nd July 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 8:13 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा वीक की शुरुआत काफी पॉजिटिव नोट के साथ हुई। इस वीक में बजट आने वाला है, 5 तारीख को बजट है, गवर्नमेंट बजट पेश करेगा, तो हो सकता है वो एक ट्रिगर पॉइंट हो। अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव रिफॉर्म्स इंडस्ट्री के लिए लाता है तो यहाँ से और भी अपसाइड मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 1st जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको यहाँ उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,823 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,775। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, गैप अप ओपन हुआ। जैसे कि कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव थे, तो गैप अप ओपनिंग हो सकता है। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट जहां पर था हमारा 11,841, उसी के पास ऑलमोस्ट ये ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा। तो हमारा ब्रेकआउट लेवल के ऊपर काफी ऊपर ओपन हो गया था ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के पास, तो यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हालांकि बाद में सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ था और काफी रिस्पेक्ट किया था इस लेवल को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे क्लोज हुआ एग्जैक्ट कल का जो फिगर था 11,865, ये हमारा कल का सेकेंड टारगेट था, तो काफी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुआ। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स देखते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हरे निशान में बंद हुए। G20 का जो पॉजिटिव आउटकम आ रहा है इसका शायद ये रिफ्लेक्शन है। और यूरोपियन बाजार देखे तो वो भी पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। चाइना मार्केट और जापानीज मार्केट लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि हांगकांग मार्केट जो कल बंद था वो अभी 385 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो हल्की सी बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी भी 20 पॉइंट्स के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। कल हमने मंथली चार्ट देखा था क्योंकि नया मंथ शुरू हो रहा है, तो मंथली चार्ट में क्या सिनेरियो बन रहा था वो हमने कल देखा। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, ये भी अभी हमें अप ट्रेंड यहाँ से इंडिकेट कर रहा है क्योंकि अभी भी ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ से अगर ये स्विंग लो को पकड़े तो आने वाले लेवल्स क्या हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, उसके लिए हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर यूज किया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने 23.6% का ये जो लेवल था 11,860 ये अचीव कर लिया है। अभी ये कल और ये जो फ्राइडे का हाई बना है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें 12,000 के यहाँ पर एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। 12,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा जहाँ से अभी कुछ हफ्तों पहले यहाँ से एक स्विंग हाई बना है और फिर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है निफ्टी, तो 12,000 के आसपास फिर से एक बार रेजिस्टेंस होगा। अगर 12,000 के ऊपर कोई डिसीजिव मूव होती है तो ये आने वाले लेवल्स भी हमें अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। ये डेली चार्ट RSI को देखें तो RSI ने भी यहाँ पर डबल बॉटम बनाया था। हमने डबल बॉटम को डिस्कस किया था, अगर आप हमें पास्ट कई दिनों से फॉलो कर रहे तो यहाँ पर डबल बॉटम बना दिया है। अभी यहाँ से ये राइजिंग बॉटम बना रहा है, तो RSI भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी ऊपर देखे प्राइस एक्शन में तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखे। प्राइस एक्शन में देखे तो कंटिन्यूज लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस इस 11,860 के पास ये आकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, पेनेट्रेट कर रहा है इस लेवल को, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा। अगर इसके ऊपर हमें क्लोज मिलता है और स्ट्रॉन्ग डिसीजिव मूव यहाँ पर दिखाई दे सकती है तो 12,000 के पहले एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर अराउंड 11,950 के पास। ये पास्ट में अगर आप डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर काफी दिन इसने रेजिस्टेंस फेस किया है 11,950 के पास यहाँ पर, फिर यहाँ 3 दिन इसने रेजिस्टेंस फेस किया है।
दो बार एक छोटा स्विंग हाई बना है, तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 11,850 के बाद, तो 11,950 एक छोटा सा हर्डल होगा और उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल 12,000 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट अगर आता है तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन बना, ये रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकता है। और नीचे जब तक ये 20 EMA को कट नहीं करता है, यहाँ से फिर से करेक्शन आना यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये है डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली, आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर यहाँ पर अब ये देखे तो दो वेव है यहाँ पर, ये यहाँ से शुरू हुई है, फिर ये यहाँ पर फिर करेक्शन आया है और फिर से इसने ये नेक्स्ट वेव को स्टार्ट किया है। तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को अगर हम ड्रॉ करें 60 मिनट के चार्ट में, तो हम आने वाले कुछ लेवल्स को यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ लेवल्स ऐड कर देता हूँ, और 23.6, 38.2 और 50। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये कल 23.6% का जो लेवल था इसके ऊपर ये क्लोज हुआ और इसको रिस्पेक्ट किया इसने, और इसके बाद ये जैसे ही टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा तो इसने दो बार इस लेवल को पेनेट्रेट किया है। ये देखिए यहां पर एग्जैक्ट 11,874 के पास इसने हाई लगाया था थर्ड आर में, कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके तीसरे हाफ आर में इसने इसको रिस्पेक्ट किया था, बाद में भी इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ। तो अभी अगर ये 38.2% के ऊपर सस्टेन करता है और कल का हाई अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट R1 का पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए, 11,889 को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं और उसके बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,900, ये हमारा क्विकली एक छोटा टारगेट होगा, और उसके बाद 11,905 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है, टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है तो ये पिवट पॉइंट, ये जो यहाँ पर पिवट पॉइंट आ रहा है, ये ब्रेक होने दीजिए 11,860 के पास। अगर ये ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 20 EMA है, ये अराउंड अभी 11,841 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,823, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट 11,823 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप काफी टाइम इसने यहाँ पर पास्ट में एक रेजिस्टेंस फेस किया था, तो जहाँ पास्ट में रेजिस्टेंस फेस करता है वो अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।